आईपीएल में विनिंग टीम को जीतने पे 20 करोड़ मिलते हैं, बट एक टीम को मैनेज करने का खर्चा है 200 करोड़ रुपए और एक टीम को खरीदने का खर्चा है 2000 करोड़ रुपए। इतना खर्चा करने के बाद अगर 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो क्यों बिजनेस ओनर्स आईपीएल के अंदर अपना पैसा लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भावप्रीत सिंह सोनी, वेलकम टू बिलियन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आईपीएल की बिजनेस स्ट्रेटेजी और कैसे फ्रेंचाइजी की मदद से बीसीसीआई ने अपने बिजनेस को पैन इंडिया एक्सपेंशन दिया। आज ये क्रिकेट से इतना मुनाफा और पैसा कमा रहे हैं। आईपीएल 13 सितंबर 2007 को हिंदुस्तान में अनाउंस किया गया था और अप्रैल 2008 में पहला आईपीएल मैच खेला गया था इंडिया के अंदर। आईपीएल को इस समय बीसीसीआई रेगुलेट करता है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि बीसीसीआई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीसीसीआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आज से पहले आपने ना सुनी हो, तो वीडियो को एंड तक देख के जाना। देखिए फ्रेंड्स, बीसीसीआई रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बीसीसीआई को रिकॉग्निशन नहीं दे तो इसकी वैल्यू हिंदुस्तान के अंदर खत्म हो जाएगी। सबसे पहले अगर किसी को भी टीम खरीदनी है तो 3000 करोड़ की नेटवर्थ आपके पास होनी चाहिए और एक टीम बीसीसीआई इस समय 2000 करोड़ रुपए की देता है। टीम खरीदने के बाद आप लोगों को प्लेयर्स को बाय करना है। अब बीसीसीआई ने इसके ऊपर कैप लगा दिया, कोई भी टीम 90 करोड़ से ऊपर खर्चा नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिए, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो 200, 300, 400 करोड़ रुपए लगा देगा और अच्छे प्लेयर्स एक टीम में लेकर आ जाएगा, तो बाकी टीम कभी नहीं जीत पाएंगी। इसलिए बीसीसीआई ने कैप लगाया प्लेयर्स की बाइंग के ऊपर। उसके ऊपर भी तीन तरह के इन्होंने प्लेयर्स को चुना है। जैसे पहले होते हैं कैप प्लेयर्स। कैप प्लेयर्स कौन होते हैं? एमएस धोनी, विराट कोहली, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, इंडिया के लिए खेला है। दूसरे होते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स, जो बाहर के प्लेयर्स होते हैं, आउट ऑफ इंडिया के, जिनको इंडिया लेकर आते हैं। तीसरे होते हैं अनकैप प्लेयर्स। अनकैप प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने कभी भी नेशनल मैच नहीं खेले, इनको स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है। हार्दिक पांडे उनमें से एक थे, एक अनकैप प्लेयर थे जिनको आईपीएल से फेम मिला। अब ये टीम बनाई कैसे जाती है? देखिए, जैसी ऑक्शन होता है उस समय शाहरुख खान, अंबानी जैसे लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डेटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं। 10 साल का डेटा रिकॉर्ड निकाला जाता है कि कौन बैटिंग में अच्छा है, कौन फील्डिंग में अच्छा है, कौन बॉलिंग में अच्छा है। उस डेटा की मदद से प्लेयर्स को चूज करा जाता है, उनकी टीम बनाई जाती है। टीम बनने के बाद फाइनली आईपीएल की शुरुआत होती है। अब बीसीसीआई की इनकम स्ट्रीम आपको बताऊंगा कि फ्रेंचाइजी मॉडल से पैसा कैसे कमाते हैं। देखिए, आईपीएल में सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट। ब्रॉडकास्टिंग से बीसीसीआई को 60% रेवेन्यू आता है। सोनी टीवी ने 2008 से लेकर 2017 तक 8200 करोड़ रुपए पे करे थे बीसीसीआई को फॉर ब्रॉडकास्टिंग राइट, मतलब हर साल 820 करोड़ रुपए। उसके बाद स्टार स्पोर्ट ने 4 साल के लिए 16400 करोड़ रुपए पे करे। अब आप सोच रहे होंगे, इतना पैसा ये लोग लगा रहे हैं, क्या रिकवरी हो पाती है? जी हाँ, एक 10 सेकंड का एड चलाने के लिए एक टीवी चैनल चार्ज करता है 15 लाख रुपए। तो आप सोचिए, दिन भर में कितने एड्स चलते होंगे। तो ये सारे टीवी चैनल्स प्रॉफिटेबल है, पूरा पैसा ही निकाल लेते हैं। इवन अभी देखा गया था जियो सिनेमा पे, जब फ्री में स्ट्रीमिंग हुई थी तब पर डे 6 करोड़ लोगों ने एक साथ बैठ के लाइव मैच देखा था। अब नेक्स्ट सोर्स की बात करते हैं कि और कहाँ से पैसा आता है। वो आता है स्पॉन्सरशिप से। स्पॉन्सरशिप दो तरह की होती है, वन इज टाइटल स्पॉन्सरशिप, फिर आती है ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप। अब आपने सुना होगा पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल, डीएलएफ आईपीएल, जैसे पेप्सी ने हर साल टाइटल स्पॉन्सरशिप के 79 करोड़ रुपए पे करे थे, वीवो ने 440 करोड़ रुपए पे करे थे, क्योंकि वीवो एक चाइनीज कंपनी है। और वहीं टाटा ने 335 करोड़ रुपए पे करे हर साल। अब देखिए, बीसीसीआई क्या करता है, टाइटल स्पॉन्सरशिप का 50% पैसा खुद के पास रखता है और जो बाकी 50% पैसा है वो सारी फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। तो ऐसे बीसीसीआई का मॉडल है कि जितना रेवेन्यू आ रहा है 50% बीसीसीआई का और 50% सारी टीम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पैसे से क्या टीम चल जाती है? जी नहीं, 200 करोड़ रुपए मिनिमम एक टीम का खर्चा है, विनिंग अमाउंट 20 करोड़ रुपए और जो रनर अप टीम होती है उसको अराउंड 13 करोड़ रुपए के आसपास मिलते हैं। फिर ये पैसा निकलता कहाँ से? देखिए, एक प्लेयर को देखो, एमएस धोनी या विराट कोहली, इनके जर्सी पे आपको 7 स्टिकर मिलेंगे,
ये ब्रांड्स के स्टिकर होते हैं। टिकट बेच के भी ये लोग पैसा बनाते हैं। अगर मुंबई के अंदर मैच खेला जा रहा है तो 80% पैसा मुंबई की टीम को जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। मर्चेंडाइज से पैसा बनता है इनका। उसके बाद जैसे जैसे टीम की पॉपुलरिटी बढ़ती है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन इनके लिए बढ़ जाते हैं, जहां से इनको पैसा आता है। आज के टाइम में एक टीम की वैल्यू 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है, तो काफी सारे फ्रेंचाइज ओनर्स, बिजनेस ओनर्स अपने टीम के स्टेक को सेल आउट कर देते हैं, जहां से इनको रेवेन्यू आता है। अब आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ, BCCI कोई टैक्स पे नहीं करता है। जी हाँ, इतना रेवेन्यू कमाने के बाद, इतने प्रॉफिट्स कमाने के बाद BCCI जीरो टैक्स पे करता है। BCCI कहता है हम एक NGO है, हमारा काम है क्रिकेट को प्रमोट करना और प्रमोशन के लिए हमें कोई टैक्स पे नहीं करना। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर केस भी फाइल करा कि आप लोग एंटरटेनमेंट बेच रहे हो मार्केट के अंदर, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेटर ऑन जब कोर्ट के अंदर ये केस गया तो जजमेंट BCCI के फेवर के अंदर आया और कहा गया कि BCCI क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है, उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुल रहा है, कॉमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइए कि आपको सही लगता है कि BCCI को टैक्स पे करना चाहिए या फिर BCCI क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है तो उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसे BCCI ने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करा। आज ये मॉडल हाईली प्रॉफिटेबल है, स्केलेबल है। अगर आप भी अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी के अंदर लेके जाना चाहते हैं या किसी अच्छी फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल बिलियन ब्रिज के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी क्वालिटी ब्रांड्स को हमने लिस्ट करा है, जिनके साथ आप जुड़ के इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस की जर्नी को चालू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही हम ऐसे कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।